वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आसिफ अंसारी, वेलकम टू माय चैनल किरण फैशनिंग। दोस्तों, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ट्यूलिप पेंट बिल्कुल अलग अंदाज में। तो अब शुरू करते हैं अपनी ट्यूलिप पेंट। दोस्तों, सबसे पहले आप ये कपड़ा ले लें, इसको मैंने स्क्वायर में काटा हुआ है, ये देखें इस तरीके से। इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने सब बराबर रखी है, यहाँ से ये पूरा बराबर है। और इसको मैंने प्रेस कर लिया और इसको समोसा यानी कि टिकोनी स्टाइल में बिठाया हुआ है। तो दोस्तों, पिछले दो दो दूसरे पाइचे का भी मैंने बिठाया हुआ इस तरीके से, इस तरीके करके। और हम इसको अब इसके ऊपर इस तरीके से बिठा देते हैं। दोस्तों, ये देखें, सबसे पहले आप इस पे पाइचे का निशान लगाएं। तो अब हम इस पे पाइचे का निशान इस तरीके से लगा लें, ये हमारा पाइचा आ जाएगा। ये मैंने निशान लगा लिया पाइचे का। अब इससे 6 इंच ऊपर रखेंगे हम इसको पाइचे से, और लंबाई जितनी है आपकी पेंट की, मेरी लंबाई 36 है, तो इस 36 पे मैंने एक निशान लगा दिया। ठीक है, 36 पे निशान लगाने के बाद दोबारा उधर इंचो टेप के बाद जाएंगे, इसकी नोक के ऊपर रखेंगे जो बिल्कुल सेंटर की नोक निकल ली है, तो ये आएगा 34। ठीक है, तो अब हम इसको इस नोक के हिसाब से इसको घुमाते जाएंगे 34 के ऊपर, वहाँ से पकड़ेंगे इंचो टेप को नोक की तरफ से और इसको निशान लगाएंगे। इसको गोल घुमाना है पूरा। ये हमने पूरा इस तरीके से एक निशान लगाना है। मैं निशान डार्क करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये देखें, पहले इस पैंचे को आप हल्का सा गोल करके इस तरीके से निशान लगा लें अंदाजे के हिसाब से। फिर इंच टेप को आप बाहर निकालें 6 इंच। 6 इंच बाहर निकालने के बाद, क्योंकि बेल्ट लगेगी 6 इंच की, तो जितनी लंबाई है पेंट की उस तरीके से आप इधर आ जाएं और उस पर एक निशान लगा दें। फिर क्या करें, इस नोक के ऊपर अपना इंच टेप रखना है और 34 पर आ रहा है तो इसी तरीके से 34 पर रखते जाएँ, इंच टेप को घुमाते जाएँ और इसको गोल करते जाएँ। अब हम करेंगे इस पर कटिंग। ये कटिंग कर लिया, ये काम में आएगा, इसको रखते हैं भी साइड पे। अब इसको यहाँ से कटिंग करेंगे बिल्कुल सीधा। इसको रख देते हैं साइड पे। अब हमने जो ये फालतू बीज जो ऊपर से निकाला था, ये है ओरेब हमारा, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे निशान और इसको हम इस्तेमाल में लेंगे, इसकी बनाएंगे पट्टियाँ। दोस्तों, ये देखें, जो हमारी पट्टी निकलेगी वो निकलेगी रेप, तो हम उस रेप पट्टी के हिसाब से इस पर निशान लगा के इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और इसको कटिंग कर देते हैं। अब ये हमारा जो पीस निकला है ये ओरेब निकला है, क्योंकि जो हम पट्टी घुमाएंगे वो गुलाई पे घुमाएंगे, तो ओरेब पट्टी बनानी है हमारे को। इस पे लगा देंगे हम हल्की वाली बुकरम 2-2 इंच की। तो मैं बुकरम कटिंग करना आपको बताता हूँ किस तरीके से करनी है। दोस्तों, ये देखें, ये हल्की वाली बुकरम मैंने लिए, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई के अंदर हम 2-2 इंच का हिसाब लगा के इसको कटिंग कर लेंगे। क्योंकि जो हमारी पट्टी है वो 2 इंच की लगेगी और ये 2-2 इंच के हिसाब से ये पट्टियाँ निकालने के बाद इसके ऊपर पट्टियाँ पूरी चिपका लेंगे। मैं पहले एक पट्टी निकाल के आपको चिपका के दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देखें, मैंने पट्टी निकाल ली है, इसके ऊपर हम ऐसी 3 पट्टियाँ चिपकाएंगे, 1, 2, 3, और ये तीनों हमारे एक पैंचे में हो जाएगी और दूसरे पैंचे के लिए जो दूसरा कपड़ा बचा है उसमें से निकालेंगे। तो ये बनानी है हमने ओरेप ताकि ये गोल घूम जाए।
दोस्तों ये देखा है, मैंने अभी तीन पट्टियाँ निकाली हैं अपने उसके एक पैंचे के हिसाब से, और तीन अलग निकाली हैं वो दूसरे पैंचे पे लगेंगी। इन सबको जोड़ के फिर मैं आपको ये बैठाना सिखाता हूँ किस तरीके से बिठाते हैं। ये देखिए, हमने ये पट्टी तैयार कर ली है, इसको हमने दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। तो आप इसको अब मिस नहीं करना, बिल्कुल जो हम लगाना आपको सिखाएंगे मशीन के ऊपर वो बिल्कुल अलग तरीके से लगाना सिखाएंगे, और ये गोल घूम जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये पट्टी है और रेप। दोस्तों ये देखें, ये गोल वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, गोल वाले हिस्से पे आपकी प्लेटें आएंगी और बेल्ट लगेगी, और इसको आप मिस नहीं करना क्योंकि इसके आसन को भी बनाने का हम तरीका सिखाएंगे आपको। और ये जो ये वाला हिस्सा है, पैंचे वाला हिस्सा, इस पर हम पट्टी लगाते हैं। पहले हम पट्टी को एक सिलाई से लगा देंगे, फिर मैं इसमें एक इस ट्रिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली गोल घूमने लग जाएगी। तो आप पहले हम ये लगा देते हैं, आप उस चीज़ को मिस नहीं करना बिल्कुल। जो हम इसके सेकेंड जो हम पलटेंगे इस पट्टी को, तो वो वाली चीज़ आप मिस नहीं करना वीडियो का। अभी हम इसको पूरा गोल घुमा देते हैं। दोस्तों ये देखें, ये पैंचे वाला हिस्सा है जो गुलाई में जा रहा है। अब आप इसको इस तरीके से दबाव को रखते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ, और जब हम इसको पलटेंगे तो आप वो वाला हिस्सा लाजमी देखिएगा वीडियो का, और आसन का हिस्सा भी इसका लाजमी देखिएगा कि आसन में किस तरीके से इसका कटिंग करता हूँ और इसको किस तरीके से बिठाता हूँ पैंट को। तो इस तरीके से आप इसको एक एक बोल्ट लेते जाएँ, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाएँ और इसको गोल घुमाते जाएँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पट्टी गोल घूम जाएगी। अब मैं ये पट्टी कंप्लीट करके आपको फिर इसको पलटना सिखा दूँगा कि किस तरीके से हम इसको पलटेंगे। देखें, ये मैंने पट्टी लगा दी है पूरी। अब सुई से धागा निकाल लें आप, और इस पट्टी के इस तरफ किनारे पे सिलाई लगाएं पीछे हाथ रख के, ताकि इसमें बन जाए हल्की हल्की सी नम आ जाए पट्टी के अंदर। तो अब ये पूरी पट्टी इस तरीके से सिलाई लगा लें पीछे हाथ रख के, धागा सुई से निकाल लें ताकि इसमें सिलाई नहीं लगे। तो ये ऑटोमेटिकली बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत अच्छी अच्छे तरीके से ये पट्टी बैठ जाएगी आपकी। उल्टी तरफ इसको आप पलटें पट्टी को, और पट्टी खींचे नहीं, पट्टी को बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएं। और कपड़े को आप बिल्कुल सीधा खींच के रखें नीचे वाले कपड़े को, और पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना वरना पट्टी फिर बैठेगी नहीं। देखिए, ये पैंचे का गुलाई वाला हिस्सा है, इस तरह आपने थोड़ा मशीन को स्लो चलाना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने उसको बैठाना है पट्टी को, ताकि ये आपकी पट्टी बैठ जाए। इसके बाद आप पट्टी पे प्रेस करना, और फिर आप इसका आसन काटना सीखेंगे कि आसन आपने किस तरीके से काटना है। तो मैं ये पट्टी कंप्लीट कर लूँ, इस पर इस्तरी लगा लूँ दोनों पीसों पर, और फिर आपको मैं आसन काटना सिखाऊँगा इसका। दोस्तों ये देखें, ये मैंने पट्टी लगा ली है, पलट ली है, प्रेस कर लिया, इसका सेंटर भी बिठा लिया है। बाकी जब बेल्ट चढ़ाएंगे तो ये सेंटर नहीं माना जाएगा, सेंटर कुछ और हो जाएगा। तो आप वो उसको भी ज़रूर देखना, और आसन वाले हिस्से को भी ज़रूर देखना आप। तो इस पे लगा देंगे हम यहाँ से 4 इंच पे एक कुटका, ये कुटका लगा दिया, इसको खोल देंगे और उल्टा वाला पीस अंदर ले लेंगे और सीधा वाला बाहर की तरफ कर देंगे। ये जो सेंटर था इसका, ये कुटका लगाया था मैंने, इस सेंटर पे आपने इसको इस कुटके से मिलाना है। फिर ये पैंचे की तरफ से नापे, हम इसको इसकी सेटिंग से बिठा दें। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी आपने इसको इस सेटिंग से बिठाना है, और इसको भी कुटके से कुटका मिलाना है। ये हो गया आपका एक पैंचा। इस पर हम हल्की हल्की सी यूएचयू लगा देंगे अंदर वाले हिस्से पे, और उस पर अंदर वाले हिस्से पे लग जाएगी सिलाई, ऊपर वाले हिस्से पे सिलाई नहीं लगेगी। अब जब आपने दूसरा वाला बिछाना है तो वो इसके जवाब ही आना चाहिए, यानी कि वो इसके अगेंस्ट आएगा मुखालिफ सिम में। ये हमने बिठा दिया, ये हमारा एक पैंचा तैयार हो गया। अब दूसरा पैंचा हम इसी के ऊपर रख के तैयार करेंगे, मगर ये इस तरफ आ रहा है, वो इस तरफ आएगा, फिर इसका आसन बनेगा। दोस्तों ये देखें, अभी ये दूसरा वाला पीस उठाया हमने, इसके ऊपर रखेंगे हम इसको, और इसी के ऊपर रख के इसकी सेटिंग करेंगे ताकि हमारे दोनों बराबर आए।
पहले वाला हमने नीचे रखा है, नीचे करा है, तो ये सेकंड वाला हम इसका ऊपर करेंगे ताकि ये हमारे दोनों जवाबी आ जाएं। तो इस तरफ वाले को हम पहले बिठाएंगे, और बिल्कुल बराबर नाप के आपने बिठाना है, दोनों बराबर होने चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए कहीं भी। और ये इस तरफ आ गया, इस पे भी हल्की हल्की यूच लगा लें। अब इसके अंदर वाले हिस्से में सिलाई लगेगी, ये खुला रह जाएगा। ठीक है, हम सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो जो पीस अंदर आ रहा है उस पर आपने सिलाई लगानी है, और जो बाहर आ रहा है उसको खुला छोड़ देना है। इस तरीके से आप इसके अंदर वाले हिस्से में सिलाई लगाएं और बाहर वाले हिस्से को खुला छोड़ दें। पाइचे की तरफ आएँ तो उसको पक्का कर दें, पट्टी के ऊपर जो पट्टी आ जाए ताकि आपका ये पीस मजबूत हो जाए। ये देखें, इस पट्टी के ऊपर लाके आप इसको पक्का करेंगे, जो सेकंड पट्टी आ रही है, और धागा तोड़ देंगे, और आपका इस तरीके से एक पाइचा हो गया तैयार। अब हम इसमें काटेंगे अपना आसन। आसन काटने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, इस तरीके से आप एक पीस बिछाएं और दूसरा पीस जो है इसके इस तरफ करके बिछाएं। ये देखें, ये इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ कटेगा हमारा आसन, और ये पीस फ्रंट में आएगा, और ये पीस फ्रंट में आएगा। तो अब हम इसको एक के ऊपर एक रख देते हैं, और इसकी शर्टिंग नाप लेते हैं पूरी सही तरीके से दोस्तों। ये देखें, ये आपने इस तरीके से यहाँ पे एक स्केल का निशान लगाना है 10 इंच तक। यहाँ पे हम आसन काटेंगे, 10 इंच से आपने निशान, स्केल बिल्कुल बराबर रखना है इसके, और 10 इंच का निशान उठाना है। 16 इंच का हमारा आसन तैयार आ जाएगा। इसको गोल कर देंगे और इस पर कटिंग कर लेंगे। और इन दोनों को जोड़ देंगे, और फिर बेल्ट चढ़ाएंगे, और जो हमारे पहले के निशान थे सेंटर के, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, ये फ्रंट में आ गया, और ये भी फ्रंट में आ गया, ये हमारा आसन कटिंग हो गया। तो ये देखें, ये मैंने आसन जोड़ लिया है अपना। अब इन दोनों आसन को ऊपर से मिलाएं, और इसके यहाँ पे आएं, और एक कुटका यहाँ लगा लें। इसी तरीके से आप एक कुटका यहाँ लगा लें, और जो पहले कुटके लगे हुए थे उसको कर देंगे रिमूव। जैसे ये पहले कुटका लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि ये हमें कंफ्यूज नहीं करे। दो हमारे आसन के सेंटर हो गए, और दो कुटके हो गए, और बेल्ट के अंदर भी इसी तरीके से कुटके लगा लेंगे। इसको चार हिस्सों में तकसीम करके कुटके लगा देंगे। एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, और दो सेंटर ये हो गए। यहाँ पे भी एक कुटका लगा लेंगे हम। तो ये हमारा बन गया, चार हिस्सों में तकसीम हो गया। अब हम इसके ऊपर आसन से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और ये सेंटर से। थोड़ी थोड़ी दूर हम थोड़ी थोड़ी सी प्लेटें डालते जाएंगे, और इसको जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से आप इसको पूरी बेल्ट को तैयार कर लें। आप थोड़ी थोड़ी दूर प्लेटें डालें, और इसको जोड़ते जाएं, और कुटके से कुटका मिलाते जाएं। तो चारों कुटके चारों हिसाब से मिल जाएंगे। आसन जो है वो सिलाई के ऊपर मिल जाएगा, जो सिलाई जोड़ी हुई बेल्ट की, और कुटके कुटके से मिल जाएंगे, तो आपकी बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ये देखें, ये हमारा बेल्ट का कुटका आ रहा है, और ये आ रहा है हमारा उसका फ्रंट का कुटका सलवार की। इन दोनों को मिला दिया मैंने कुटकों को, और एक प्लेट डाल दी, और ये बराबर कर दिया। इसी तरीके से आप ये सारा पूरी बेल्ट को बराबर करके चढ़ा दें, और फिर इलास्टिक डाल लें, और आपकी सलवार हो जाएगी कम्प्लीट।
दोस्तों ये देखेंगे मैंने पूरी बेल्ट कंप्लीट कर ली है अपनी, चुने वगैरह डाल दिए, हम इसमें डालेंगे इलास्टिक और हमारी हो जाएगी ट्यूलिप शलवार कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।